The topic टॉपिक we are going to discuss is classifying customer services. How we can classify the customer services or कितने चीजों के अंदर कितनी तरीके से इसको classify कर सकते हैं आपके सामने मैं let me share it with you a complete table of it. ये मैट्रिक्स एक हमारे सामने मौजूद है इस मैट्रिक्स में इफ़ यू सी ऑन द टॉप इज द कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग अ कस्टमर सर्विस और अगर हम मैट्रिक्स के लेफ्ट पे देखते हैं इट इज द वैल्यू ऑफ द कस्टमर सर्विस टू द शॉपर टू द कस्टमर एक्चुअली सो एक तरफ कॉस्ट है उस कस्टमर सर्विस को ऑफर करने की और दूसरी तरफ वो वैल्यू है जो उस कस्टमर को मिल रही है इस टेबल को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले हेल्प करता हूँ कि किस तरीके से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले हमारे पास इफ यू सी ऑन द टॉप तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग द कस्टमर सर्विसेज इफ द कॉस्ट इज़ हाई एंड द वैल्यू द कस्टमर सर्विसेज शॉपर इज़ इसो हाई इस केस के अंदर हम फर्स्ट ब्लॉक के अंदर हैं विच इज कॉल्ड पैटर्नेज बिल्डर्स सो एक्चुअली इस तरह की कस्टमर सर्विसेज जो हैं वो पैटर्नेज बिल्डर कस्टमर सर्विसेज कराती हैं बिल्ड कर रही होती हैं आपका पैटर्नेज सो इन ये इन एक्टिविटीज के अंदर इस तरह के केसेज के अंदर कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग द कस्टमर सर्विसेज इज एक्चुअली वेरी हाई और अफकोर्स जब आप यू स्पेंड हाई तो वैल्यू द कस्टमर इज ऑल्सो हाई इन दिस केस दूसरा हमारे पास मौजूद है कि जहां पर कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग द कस्टमर सर्विसेज इज हाई बट द वैल्यू टू द कस्टमर इज लो सो इस तरह के केसेस के अंदर ये एक्चुअली कहलाते हैं डिसअपॉइंटर्स सो so, के केस के अंदर अगर आप ग्रेड टू में देखें तो आपके पास डिसपॉइंटर्स हैं ये एक्चुअली एक्सपेंसिव एक्टिविटीज हैं बहुत ज्यादा कॉस्ट है इनकी लेकिन इनसे आने वाला बेनिफिट जो एक्सपेक्टेड आउटकम है या जो कस्टमर सर्विस एक्सपेक्ट करता है कस्टमर वो लो है थर्ड ग्रेड की अगर हम बात करते हैं सो so वो हमारे पास है पैटर्नेट सॉलिडिफायर्स ये किस तरह की हमारे पास एक्टिविटीज़ है ये वो हैं कि कस्टमर सर्विसेज जिनकी कॉस्ट लो है लेकिन इनका बेनिफिट जो है वैल्यू टू द कस्टमर है वो इट इज़ हाई सो पैटर्नेट सॉलिडिफायर जो है ये एक्चुअली वन ऑफ द आइडियल सिचुएशन है कि जहां पर किसी कॉस्ट ऑफ सर्विसेज जो है कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग द कस्टमर सर्विसेज इज़ लो लेकिन आपको जो बेनिफिट उससे मिल रहा है कस्टमर को वो हाई है फोर्थ ग्रिड के अंदर अगर हम आते हैं वो हमारे पास है बेसिक्स सो बेसिक्स क्या है कि जहाँ पर कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग कस्टमर सर्विसेज इज लो एंड आउटकम ऑफ इट विच मीन्स द वैल्यू टू द कस्टमर सर्विस वैल्यू टू द शॉपर इज ऑल्सो लो तो इस केस के अंदर इस ग्रिड के अंदर यहाँ पर ये कहलाते हैं बेसिक्स या बेसिक कस्टमर सर्विसेज तो ये चार तरह की कस्टमर सर्विसेज को हमने क्वालिफाई किया है कि जहाँ पर कॉस्ट हाई है और बेनिफिट हाई है जहाँ पर कॉस्ट हाई है और बेनिफिट टू द कस्टमर या वैल्यू टू द कस्टमर लो है जहाँ पर कॉस्ट लो है और बेनिफिट टू द कस्टमर हाई है और जहाँ पर दोनों चीज़ें लो हैं विच मीन्स द कॉस्ट इज़ लो

ये लो कॉस्ट एक्टिविटीज़ हैं दैट आर नेचुरली एक्सपेक्टेड एक्चुअली दे डू नॉट हेल्प इन बिल्डिंग द पैटर्नेज बट देयर एबसेंस कुड रिड्यूस पैटर्नेज कस्टमर एक्चुअली इस तरह की सर्विसेज को कस्टमर सर्विसेज़ को एक्सपेक्ट कर रहा होता है जिस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल फ्री पार्किंग जिस तरीके से फ्री शॉपिंग बैग जिस तरीके से स्टोर के अंदर म्यूजिक जिसके जिस तरह के स्टोर के अंदर लेट से वॉशरूम की फैसिलिटी टॉयलेट्स की फैसिलिटी जिस तरह से स्टोर के आउटसाइड मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर काइंड ऑफ प्ले एरिया की फैसिलिटी या स्टोर के अंदर अगर हम बात करते हैं मॉस्क की फैसिलिटी मॉस स्टोर के बाहर मॉस्क की फैसिलिटी स्टोर के अंदर सिटिंग एरिया तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक कस्टमर नेचुरली एक्सपेक्ट कर रहा है किसी भी रिटेल स्टोर से तो अगर ये सर्विसज नहीं होंगी ऑफ कोर्स कस्टमर इससे ये एक्चुअली आपका पैटर्नेज बिल्ड नहीं कर रही है लेकिन अगर ये नहीं होंगी तो इससे आपका पैटर्नेज रिड्यूस जरूर हो सकता है इसके एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस की नॉर्मली इस तरह की कस्टमर सर्विसेज एक्टिविटीज को करने की जो कॉस्ट है वो लो है और उसका बेनिफिट जो एक्सपेक्टेड आउटकम जो है टू द कस्टमर इज आल्सो लो हम अब दूसरे ग्रिड की तरफ आते हैं विच इज़ द आइडियल सिचुएशन विच इज़ दैटर्नेज सॉलिडिफायर्स आइडियल सिचुएशन मैं क्यों कह रहा हूं इसको बिकॉज कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग द कस्टमर सर्विसज लो है लेकिन जो वैल्यू टू द कस्टमर है वो बहुत हाई है अब ये कौन सी एक्टिविटीज़ है ये एक्चुअली लो कॉस्ट लिटिल थिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे कस्टमर लॉयल्टी जो है वो इंक्रीज होती है कस्टमर लॉयल्टी जो है वो बढ़ती है और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि कॉस्ट इसकी बिल्कुल लो है तो इंपॉर्टेंट है समझना फॉर एग्जाम्पल ऑफरिंग कर्टिस टू द कस्टमर जब आप किसी रिटेलर आउटलेट के अंदर जाते हैं और लेट से आपको वो वहाँ का रिप्रजेंटेटिव अगर वो बाय नेम आपको बुलाता है या बाय नेम वो आपको थैंक यू करता है या बाई नेम आपको ग्रीट करता है हाउ डू यू फील अबाउट इट ऑफकोर्स यू विल फील ग्रेट इन जनरल नॉर्मली लोग बहुत अच्छा फील करते हैं दिस इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स या अगर लोग आपसे जब भी बात करें वो आपकी बात को प्रॉपर तरीके से सुने लेट से योर टीम हैज बिन ट्रेन टू लिसन टू कस्टमर्स या आपका ओवरऑल कस्टमर डेस्क इज वेरी हेल्पफुल कस्टमर को इमिजिएट एंड क्विक सोल्यूशन दे रहा हूँ ये लो कॉस्ट चीजें हैं लेकिन एक्चुअली दे विल बिल्ड लॉयल्टी फॉर द कस्टमर्स और नॉर्मली इस तरह से हम अक्सर बात करते हैं सजेस्टिव सेलिंग एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप कस्टमर को इफ कस्टमर वॉन्ट टू बाय समथिंग एंड देन आपके स्टोर के अंदर देर इज अ कॉर्नर विच इज ऑफरिंग और देर आर पीपल हु आर ऑफरिंग सजेस्टिव सेलिंग तो एक्चुअली आप कस्टमर को हेल्प कर रहे हैं उसकी परचेज के अंदर इसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस इज वेरी लो लेकिन द बेनिफिट द वैल्यू टू द शॉपर द वैल्यू टू द कस्टमर इज एक्चुअली वेरी हाई ये आइडियल सिचुएशन है और एक रिटेलर इसको नॉर्मली अचीव करने की कोशिश करता है कि इसमें से कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो कि मिस हो सके नॉर्मली कस्टमर का फीडबैक लेना कस्टमर के फीडबैक के ऊपर रिस्पॉन्ड करना इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द एग्जाम्पल्स पैटर्नेट सोलिडिफाइस के अंदर थर्ड हमारे पास जो कैटेगरी है वो डिसअर्स की है जिस तरीके से हमने डिस्कस किया अब कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस सर्विस इज इज एक्चुअली वेरी हाई बट दैल्यू टू दस्टमर इज लो तो डिसंटर्स क्या है दे आर एक्सपेंसिव एक्टिविटीज दे एक्चुअली डोंट रिजल्ट इन टू वेरी गुड थिंग्स एग्जाम्पल हम लेफर लेट्स ए डिलीवरी टू द कस्टमर और काइंड ऑफ फ्री डिलीवरी टू द कस्टमर सो द कॉस्ट ऑफ डूइंग डिलीवरी इज हाई बट इन जनरल क्या कस्टमर वो डिलीवरी एक्सपेक्ट फ्री डिलीवरी जो है उसके लिए उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है या उसके लिए बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है आप अगेन इसके अंदर एक थोड़ा सा डिस्कशन आता है जब हम बात करते हैं कि आप किस कंट्री के अंदर किस टेरेटरी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है लेकिन वह तमाम एक्टिविटीज़ जो कि लेट्स जिनकी बहुत एक्सपेंसिव कॉस्ट है लेकिन उनका बेनिफिट को बहुत ज्यादा नहीं है इन कस्टमर की नज़र के अंदर या कस्टमर के लिए डिस कहलाते हैं लास्ट हमारे पास पैटर्नेज बिल्डर्स है ये वो एक्टिविटीज हैं जिनकी कॉस्ट भी हाई है जिस तरीके से अभी हमने डिस्कस किया है और इनकी वैल्यू टू द शॉपर वैल्यू टू द कस्टमर इज ऑल्सो हाई तो एक्चुअली दे हेल्प इन बिल्डिंग द इमेज ऑफ रिटेलर पैटर्नेज बिल्डर्स होते हैं हाई कॉस्ट एक्टिविटीज हैं दैट आर प्राइमरी primary factors behind customer loyalties. They actually build the customer loyalties. अब इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. Starting from the transaction speed. Starting from the let's say cash counter which is a speed cash counters. Normally retailers बिल्कुल जब हम basics की बात करते हैं, तो वो focus करते हैं कि customer को कितना time लगता है let's say checkout कराने के लिए coverage. So but how much is the speed of the transaction? तो ये इट इट रियली हेल्प्स कस्टमर कहता है कि मेरा काम मेरा टाइम यहां बहुत कम वेस्ट होता है जब मैं इस इस, इस आउटलेट से कोई भी प्रोडक्ट जो है बाय करता हूं फॉर एक्जाम्पल क्रेडिट ऑफ कोर्स द कॉस्ट ऑफ गिविंग क्रेडिट इज हाई एंड ऑफ कोर्स वैल्यू द कस्टमर इज ऑल्सो हाई कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि अगर आप उसे क्रेडिट के ऊपर उधार के ऊपर चीजें दे रहे हैं तो कोर्स वो उसको बहुत ज्यादा वैल्यू करता है बट लेकिन आपको ये बात जहन में रखनी है कि कॉस्ट ऑफ ऑफरिंग दिस कस्टमर सर्विसेज इज ऑल्सो हाई इसी तरीके से कोई गिफ्ट रजिस्ट्री या फॉर एग्जाम्पल देर इज ऑफ ऑफरिंग समथिंग फ्री टू द कस्टमर विच कैन बी एनी थिंग तो इस तरह की चीज़ें भी दे आर हाई कॉस्ट एक्टिविटीज एंड देर एक्चुअली रिजल्ट इन टू हाई कस्टमर वैल्यू और ये बिल्ड करती हैं आपका पैटर्नेज एज ए रिटेलर और हेल्प करती हैं उस कस्टमर लॉयल्टी को इनक्रीज करने के लिए तो हमने आज इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया क्लासीफाइंग कस्टमर सर्विसेज के जिसके हमने चार तरह की क्लासीफिकेशन डिस्कस की जिसमें फ्रॉम हाई टू लो इम्पैक्ट्स डिस्कस किए जो कि आपको हेल्प करते हैं एज ए रिटेलर एज ए कस्टमर समझने के लिए कि नॉर्मली आपने कौन कौन से कस्टमर सर्विसेज जो हैं वो देनी है कौन कौन सी कस्टमर सर्विसेज जो है वो ऑफ़र करनी है और उनका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस आपके लिए क्या है